हेलो स्टूडेंट, तो सब्जेक्ट है हमारा जूलॉजी। ये यूनिट चल रही है हमारी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। सेकंड फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट कर लिया है, तो सेकंड यूनिट में हमारा टॉपिक है साइटोस्केलेटन, जिसमें इसके टाइप्स के बारे में पूछा गया है, जो कि हैं माइक्रोटिब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो सबसे पहले हम साइटोस्केलेटन जान लेते हैं कि साइटोस्केलेटन क्या होता है। तो जो जैसे कि नाम से पता चल रहा है साइटोस्केलेटन, स्केलेटन क्या होता है, जो हमारे बॉडी को शेप दे और शेप और फंक्शन में हेल्प करे। तो साइटोस्केलेटन यानी सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है, उसका जो स्केलेटन होता है उसको साइटोस्केलेटन बोलते हैं। तो द साइटोसोल ऑफ सेल यानी जो सेल के अंदर साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म जो होता है वो कंटेन करता है फाइबर, जो हेल्प करते हैं सेल की शेप और उसकी मोबिलिटी एंड द प्रोबेबली प्रोवाइड एंकरिंग पॉइंट फॉर द अदर सेलुलर स्ट्रक्चर। फिर इन सबको जो जोड़ देते हैं फाइबर को, उन्हें हम क्या देते हैं, साइटोस्केलेटन नाम देते हैं। अब हम साइटोस्केलेटन के फंक्शन जान लेते हैं कि क्या क्या हैं। तो सबसे पहले ये जो है क्या करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल का। और फिर ये इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि आयंस, वाटर, सब में ही क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। फिर है मोटिलिटी, फिर डिटरमाइंड पोजिशन ऑफ ऑर्गेनेल्स, इन्वॉल्व होता है सेल डिविजन में। तो ये साइटोस्केलेटन के फंक्शन है। अब हम इस साइटोस्केलेटन के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं कि साइटोस्केलेटन में कितने टाइप्स होते हैं। तो दीज साइटोस्केलेटन इज कम्पोज ऑफ थ्री फिलामेंटस स्ट्रक्चर। जो साइटोस्केलेटन होता है वो थ्री फिलामेंटस स्ट्रक्चर से बना होता है। कौन कौन से, फर्स्ट है इसका माइक्रोटिब्यूल, सेकेंड है माइक्रोफिलामेंट, थर्ड है इसका इंटरमीडिएट फिलामेंट। इन तीनों के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और इनके फंक्शन हम अच्छे से नोट करेंगे। तो इस प्रकार ही आप नोट्स लिखें अपने एग्जाम में, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम पढ़ते हैं माइक्रोटिब्यूल्स। माइक्रोटिब्यूल्स क्या होते हैं, माइक्रोटिब्यूल्स रिजिड होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसका डायामीटर अप्रोक्सीमेटली 25 नैनोमीटर होता है। माइक्रोटिब्यूल्स प्रोटीन कंसिस्ट करते हैं, मतलब प्रोटीन कौन से प्रोटीन से बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। और जो ट्यूबुलिन होता है वो दो सब यूनिट से बना होता है, एक अल्फा और एक बीटा। जब इन दोनों अल्फा और बीटा को अटैच कर देते हैं तो ये ट्यूबुलिन जो हो जाता है हेटरोडाइमर या पॉलो डाइमर का शेप ले लेता है, और ये मोनोमर नहीं कहलाता। इसलिए इसी को हम क्या कहते हैं, हेट्रो डाइमर। और ये जो दिखता है ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखता है, जिसे माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर शो किया हुआ है, ये है अल्फा ट्यूबुलिन, ये बीटा ट्यूबुलिन। जब ये दोनों मिलेंगे प्लस होंगे तो एक डाइमर फॉर्म हो जाएगा। डाइमर की जब हम पॉलीमराइजेशन करेंगे तो प्रोटोफिलामेंट बन जाएगा। और इसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार दिखता है माइक्रोट्यूब्यूल का। यहाँ पर एक अल्फा की एक बीटा की इस तरीके से चेन लगी होती है, और ये जो है कितने, इसका जो डायमीटर होता है 25 नैनोमीटर होता है। अब हम इसके फंक्शंस के बारे में नोट डाउन कर लेते हैं। तो फंक्शंस क्या है, ये ट्रांसपोरेशन ऑफ वाटर, आयन और स्मॉल्स मॉलिक्यूल्स में हेल्प करता है। फॉर्मेशन ऑफ फाइबर और एस्टर्स ऑफ द मायोटिक और मियोटिक स्पिंडल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन में जो मायोटिक और मियोटिक सेल डिवीजन होते हैं उसमें ये क्या स्पिंडल और फाइबर्स एस्टर का फॉर्मेशन करता है। और ये क्या थर्ड इसका फंक्शन ये है कि ये फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द सेंट्रियोल्स, बेसल ग्रैन्यूल्स, सीलिया एंड फ्लैजिला का फॉर्मेशन करता है। तो आप इसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर और इसकी थ्योरी लिखें एग्जाम में, आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। अब है सेकंड है हमारा माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, और इनका जो डायमीटर होता है वो अप्रोक्सीमेटली 8 नैनोमीटर होता है। और जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट फिलामेंट होते हैं साइटोस्केलेटन में। और जो मेजर जो साइटोस्केलेटन की प्रोटीन्स होती है सेल के अंदर वो एक्टिन ही होती है। जब ये एक्टिन एटीपी की प्रेजेंस में आती है तो एक्टिन मोनोमर्स क्या हो जाते हैं, पॉलीमराइज हो जाते हैं और एक फॉर्म कर देते हैं फ्लेक्सीबल हेलिकल फिलामेंट, जिसको हम माइक्रोफिलामेंट बोलते हैं या एक्टिन फिलामेंट या एफ एक्टिन फिलामेंट कहते हैं। तो जैसे कि
स्ट्रक्चर में शो किया हुआ है, ये है हमारा मोनोमर यानी जी एक्टिन। जब इसकी पॉलीमराइजेशन होगी तो हमारे बहुत सारी यूनिट यानी मोनोमर एक साथ जुड़ जाएंगे और एफेक्टिन बना लेंगे। इसका स्ट्रक्चर डाइमर के फॉर्म में इस टाइप से दिखता है। ये है हमारे मोनोमर, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और ये स्मॉलेस्ट ऑफ फ्लेक्सिबल होते हैं और इसका डायमीटर 8 नैनोमीटर होता है। अगर आपको नोट्स अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके दोस्तों को भी इससे हेल्प मिले। तो अब देख लेते हैं फंक्शंस। दे मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, ये मेंटेन करते हैं सेल की शेप को। और वो जो जैसे वाइट ब्लड सेल हैं वो हमारी क्या करती हैं, प्रोटेक्शन करती हैं। कोई अगर बैक्टीरिया बाहर से आता है तो हमारी वो इम्यूनिटी में रहकर क्या करती हैं, प्रोटेक्शन करती हैं। तो ये क्या करेंगे, जैसे कोई बैक्टीरिया सेल के अंदर जा रहा है तो ये जो वो हैं माइक्रोफिलामेंट सेल को कंप्रेस्ड करेंगी और बाहर आ जाएंगी सेल को लेकर, जो क्या करेगी उन बैक्टीरिया से लड़ने में हेल्प करेगी। तो ये क्या करते हैं, कंप्रेशन के भी हेल्प करते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स कैन मूव टू साइट ऑफ एन इन्फेक्शन एंड इंगल्फ द पैथोजन ड्यू टू द माइक्रोफिलामेंट। अब है लास्ट हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट स्ट्रॉन्ग होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं और रोप लाइक फाइबर्स होते हैं जो सेल की मैकेनिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। द फाइबर ऑफ मिडल ऑर्डर आर कॉल्ड द इंटरमीडिएट फिलामेंट हैविंग अ डायमीटर ऑफ 10 नैनोमीटर। तो इसका जो डायमीटर होता है वो 10 नैनोमीटर होता है। दे कंपोज्ड ऑफ अ फैमिली ऑफ अ रिलेटेड प्रोटीन शेयरिंग कॉमन स्ट्रक्चर एंड सिक्वेंस फीचर्स। और ये कौन सी फैमिली की प्रोटीन से बने होते हैं, जो कि क्या होते हैं, उनका फंक्शंस क्या होता है, शेयरिंग कॉमन स्ट्रक्चर एंड सीक्वेंस फीचर जिन प्रोटीन्स में पाए जाते हैं ये उनसे कंपोज होते हैं। और दे हैविंग बीन क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटीन सच एज। और जो ये जो होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट, इनको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ प्रोटीन जिससे वो बने होते हैं। जैसे है डेस्मिन फिलामेंट, ये इसमें क्या पाई जाएगी, डेस्मिन प्रोटीन पाई जाएगी। सेकंड है कैरेटिन फिलामेंट, इसमें कैरेटिन प्रोटीन। ऐसी है न्यूरोफिलामेंट्स, वाइमेटिन एंड ग्लेलियल फिलामेंट्स, इनमें जिस नाम की प्रोटीन्स पाई जाएगी उसी से ही इसका नेम पड़ गया। तो ये होता है मोनोमर। ये कैसे रोप लाइक होते हैं, तो ये है मोनोमर और ये डाइमर फॉर्म है, कॉइल्ड हो जाते हैं और इस तरीके का ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसको इंटरमीडिएट फिलामेंट बोलते हैं और इसका जो डायमीटर होता है 10 नैनोमीटर होता है। अब इसके फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो वैसे तो सारे जो भी हैं इसके माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट, ये शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हेल्प करते हैं। लेकिन इसका मेन फंक्शन ये है कि वाइमटीन एंड कैरेटीन जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं वो की रोल प्ले करते हैं। किस में, मेंटेनिंग द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस विद इन द सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस की पोजीशन को मेंटेन करने में ये हेल्प करते हैं। और दे ऑफन फॉर्म अ रिंग लाइक नेटवर्क, और ये रिंग लाइक नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं अराउंड द न्यूक्लियस टू होल्ड इट इन प्लेस। और उस प्लेस में जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस की ये पोजीशन है तो ये न्यूक्लियस को होल्ड कर लेंगे यहाँ पर, एक कैसे किस तरीके से रिंग लाइक नेटवर्क बनाकर न्यूक्लियस को होल्ड कर देंगे उस प्लेस पर। तो ये इसका मेन फंक्शन था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मैंने थोड़ा फास्ट बोल दिया कि वीडियो थोड़ी शॉर्ट बने और जल्दी जल्दी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।